टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा में पिछले दिनों टीएमसी की तरफ से मुमरा कौसा के हॉकर्सों को आह्वान किया गया था, जिनके पास टीएमसी की पावती है, जो हर रोज 20 रुपए की पावती लेते थे यानी भरते थे, उनको 10,000 दिए जा रहे हैं लोन के तौर पर। उनके फॉर्म भरकर कहीं और नहीं बल्कि अपने अपने यूनियन लीडर के पास जमा करें। जमा करने के 10 दिन के भीतर उनके खाते में 10,000 रुपये आ जाएगा। आज इसी मुद्दे को लेकर मुमरा के फायर ब्रिगेड के पास मुमरा कौसा के सभी नगर सेवक, समाज सेवक व हॉकर्सों के यूनियन लीडर ने मीटिंग किया और सभी को टारगेट दिया गया है, जल्द से जल्द फॉर्म जमा करें। हॉकर्सों में भी 3 किस्म के लोगों को चयन किया गया है, ABC। हम आपको सुनाते हैं धनंजय गोसावी ने इस पूरे हॉकर्सों के मामले में क्या कहा है, किन लोगों को और कौन से पेपर लिए जाएंगे, वो पूरी जानकारी धनंजय गोसावी ने दिया है। गोसावी साहब, आज जो है हॉकर्स को लेकर काफ़ी दिनों से चल रही है चर्चा कि लोन मिलेगा उनको, लेकिन उसमें भी किस तरह के लोगों को मिलेगा, और आज आपने मीटिंग किया है, तत्काल जो है सारे नगर सेवकों को बुलाया था, क्या बातचीत हुई है और कितने हॉकर्स हैं पूरे, आप ज़रा डिटेल्स में बताएं। हॉकर्स में जो क्वालिफिकेशन जो रखा है, वो हॉकर्स को 6 टाइप के पेपर लगते हैं। वोटिंग लिस्ट में नाम मांगता है, आधार कार्ड मांगता है और पैन कार्ड मांगता है, और उसका मोबाइल लिंक अटैच करके मांगता है उसका कि 10,000 लोन मिल रहा है उन लोगों को, और उसका जो हफ्ता है 820 रुपये महीने का हफ्ता है, मगर वो जो बैंकिंग ऑन मोबाइल करेंगे तो उनको 1,500 रुपये उसमें से छूट मिलेगी, तो ये टोटल उनको 2% ब्याज के पैसा वापस रिटर्न करना पड़ेगा। मगर जिसके पास पुराने हॉकर्स है आपने, जैसा ये राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन है, उनके 685 लोग हैं जो रजिस्टर है, जिन्होंने 900 रुपए की पावती फाड़ी है, वो 685, और दूसरा 700 लोग हैं जो बैठते हैं टीएमसी, उनसे 20 रुपए का पावती लेती है, उनके पास वोटिंग लिस्ट में नाम रहेगा, तो उनका ABC ऐसा कैटेगरी की है, तो ये जिसके पास रजिस्ट्रेशन है वो कैटेगरी, ये कैटेगरी में आएगा, तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस अपने को देने का, और बाद में सी कैटेगरी में जो है उनको भी प्रेफरेंस अपने को देने का, वो हिसाब से अपने हॉकर्स किधर किधर बैठते हैं, एक गुलाम मार्केट, दूसरा दरगाह रोड, तीसरा आइडियल मार्केट रशीद मुल्ला, और बाद में गुलाम मार्केट से आजवा होटल से कौसा कब्रस्तान तक बैठते हैं, और दूसरा यूनियन है अपना ये विश्व भाई का, जो नगर सेवक है अपनी बॉम्बे कॉलोनी, जो मेन मार्केट मुमरा मार्केट है, इधर उधर उनके 450 लोग पुराने हैं, 20 साल से उधर धंधा करते हैं, तो उन्हीं लोगों को लोन देने के लिए हर लोगों को बुलाने का, और फॉर्म हम दे देंगे, वो फॉर्म भर के लेने का। आज क्या किया, जैसा इरशाद जिम्मेदार है उसको बोला ये तुम्हारे लोग हैं उनसे फॉर्म भरने का, विश्व भाई जिम्मेदार है हॉकर्स की यूनियन चलाते हैं उनको बोला ये फॉर्म भरने का, नूर खाती भाई जो कौसा गांव में जो लोग बैठते हैं और आइडियल मार्केट में बैठते हैं उनको बोला कि तुम उन लोगों की जिम्मेदारी लेने का, रशीद मुल्ला की जिम्मेदारी रेहन भाई के ऊपर सौंपी गई है, ऐसे लोग क्योंकि एक जिम्मेदार कोई रहेगा तो उनको भी मालूम पड़ेगा कि अपना अपने को रिशद भाई के पास जाने का है, रेहन भाई के पास जाने का है, विशु भाई के पास जाने का है, तो सही पठान भी यूनियन चलाता है, ऐसे लोगों के ग्रुप बना के हर एक को टारगेट दिया गया है, जो जो तुम्हारे हॉकर्स है उनका फॉर्म तुम भर के ले लो, ऐसे मुमरा में हमको 3,000 टारगेट है, और 3,000 टारगेट के लिए हमने आज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया कि कोई कौन कौन हॉकर्स अपने को मेम्बर फॉर्म भर के दे देगा। गोसावी साहब, जैसा कि कुछ लोग जो है जो यूनियन में है वो तो ठीक है, कई सालों से लोग यूनियन में नहीं है और रहकर वो 20 रुपए की पावती भी भर रहे हैं और उसके बाद जो है वो धंधे कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर है? कैटेगरी में आ गए, हाँ, उनको जो उनका रेशन कार्ड रहेगा, वोटिंग में नाम रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, तो ये होने के बाद में उनको भी लोन देने के लिए अपने को सी कैटेगरी में वाले लोगों को का भी विचार किया जाएगा। मान लीजिए किसी के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो उनके लिए क्या है? मगर 3 डॉक्यूमेंट मिनिमम होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और रेशन कार्ड,
वोटिंग भी। तो पैन कार्ड का कैसा है, जब उसका बैंक में पैसा जमा हो जाएगा तब लगेगा, मगर ये रेशन कार्ड, वोटिंग लिस्ट और ये रेशन कार्ड, ये तीन चीज़ें तो मिनिमम जरूरी है। जो 10,000 रुपये जो है महानगर पालिका की तरफ से मिलेगा उनको सहूलियत के तौर पर, लोन के तौर पर, उनको मतलब कितने महीने भरने पड़ेंगे? एक साल में 820 रुपये हफ्ते। अच्छा, और कितना छूट उनको मिल रहा है उधर से? जो बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे तो 1,500 रुपये माफ हो जाएगा। बराबर, तो इन एवरेज अपन ब्याज निकलेगा तो 2% तक जाता है उनका, क्योंकि वो हॉकर्स के जो यूनियन के लीडर है ना, वो उनके साथ में बैठते हैं, उनके वो लोग मिलते हैं और उनका ऑफिस भी उधर ही है, तो इधर आने के परेशान रिक्शे का पैसा देने से उनके उधर से उधर वो अटैचमेंट उनके हो गए उनके साथ में, इसके लिए उनको बोले कि तुम फॉर्म भर के दे दो। लेकिन ये फॉर्म कब से भरना चालू होगा और उसके बाद जो है कब तक उनको पैसे आ जाएंगे? फॉर्म भरना चालू है, सबका फॉर्म हो गया भर के, टारगेट पूरा हो गया तो 10 दिन के अंदर हम उनको लोन देंगे। जिसके पास पूरा पेपर था और जिसने इनिशिएटिव लिया पहले, उसमें से इरशाद भाई है जो मुमरा के बड़े हॉकर्स में उनके साथ में है, तो उन्होंने जैसा उनको बोला गया था पिछले महीने में, तो उधर उनके वार्ड में एक कैंप लगा दिया हमने, और कैंप लगा के उन सब लोगों का फॉर्म भर दिया, तो उनमें से कई लोगों का उनके खाते पर पैसा भी जमा हुआ ऐसे। तो पैसा मिलने में कई खाली डॉक्यूमेंट क्लियर करेगा, 10 दिन के अंदर उसका पैसा खाते में जमा हो गया, कई लोगों का पैसा जमा हो गया, तो लोगों को ये मालूम चला कि ये 10 दिन के अंदर पैसा खाता में जमा होते, तो लोग अभी ज़्यादा आने लगे अपने।